और देखिए जहाँ जहाँ से हमने इसको प्रून किया था, देखिए वहाँ वहाँ से नई ब्रांचेज आ रही हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वरुण सिंह भाटी और आप देख रहे हैं VSB's गार्डन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोगरा के बारे में और देखेंगे कि मोगरा की केयर कैसे करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मोगरा जैस्मीन समर सीज़न का सबसे अच्छा फ्लावर है और सबसे कॉमन प्लांट भी है, लेकिन सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हैं इस पर ज़्यादा फूल पाने के लिए। यह मैं दो प्लांट है जो मैं इनको दो दिन पहले लाया था नर्सरी से, और देखिए मैं भी शुरू से स्टार्ट करूँगा इनको ग्रो करना और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लेने की कोशिश करूँगा। जो मैं मेथड्स जानता हूँ वो मैं पूरे मेथड्स इनमें लगाऊँगा। और देखिए, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको एकदम से ट्रांसप्लांट ना करें। देखिए गर्मी इतनी है कि ये बिल्कुल सूख गया है और इसका जो पॉट है ये भी बहुत छोटा है, इसको भी दूसरे पॉट में डालेंगे और ये पॉलीथीन बैग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब आप नर्सरी से प्लांट लाएं कोई भी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि देखिए जो इसकी जड़ें हैं वो कभी कभी ग्राउंड में घुस जाती हैं, और जब आप ये इसको आप या कोई भी नर्सरी मैन इसको निकालता है ऐसे, तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं, तो घर आके ये पूरा देखिए मुरझा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हम बात करेंगे पॉट सेलेक्शन की। तो देखिए, पहला जो आप पॉट लें वो जो भी आप गमला लाए हैं उससे 2 इंच बड़ा होना चाहिए कम से कम। देखिए कितना गैप है इसमें, 2 उंगली का कम से कम गैप है। तो ज़्यादा बड़ा भी ना लें और ज़्यादा छोटा भी ना लें, तो कम से कम 2 इंच बड़ा पॉट लें आप। तो चलिए, पॉटिंग मिक्स हमने भर लिए इसमें और अब हम मैं इन दोनों प्लांट्स को इसी पॉट में लगाऊंगा। और जो ये वाला प्लांट है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बाकी मैं इसको नर्सरी से ख़रीद कर लाया। तो आप कैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप खुद नर्सरी जाएंगे तो आपको आप अच्छा प्लांट, हेल्दी प्लांट खुद ढूंढ कर ला सकते हैं। तो देखिए, और देखिए जो ये देख रहे हैं आप, इसको कटिंग से उगाया गया है। तो रिपोर्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखें आप, कि आप एक दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले अपने जिस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं उसको पानी दे दीजिए अच्छी तरह, ताकि उसकी जो मिट्टी है वो गीली रहे और ट्रांसप्लांट शॉक से बच सके आपका प्लांट। अगर आपको अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट शॉक से बचाना है, तो देखिए ये है एप्सम सॉल्ट। तो आप 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। आप इसको पानी में भी मिक्स करके छिड़क सकते हैं। चलिए, अब जो हम आपको एक काम करना है वो है इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेड हो गई ये ब्रांच। अब इसके ऊपर से कोई ग्रोथ नहीं होगी। देखिए ये सब, ये ब्रांच सूख चुकी है, इस पर कलियाँ आ रही हैं। देखिए इस पर कलियाँ आ रही हैं यहाँ पर, और जो ऊपर वाली है देखिए ये भी यहाँ पर डेड हो गई है ब्रांच। तो करेंगे क्या, पहले तो हम लेंगे एक सीज़र ले लीजिए, उसको सैनिटाइज कर लीजिए अच्छी तरह, ताकि जो भी इसमें फंगस वगैरह है वो आपके प्लांट में ना लगे। और फिर उसको आप देखिए, ये आप नोड देख रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ नोड क्या है। देखिए जहाँ से ये पत्ता निकल रहा है, ये दो पत्ते निकल रहे हैं, ये है नोड। तो आपको डेड हो गई ये ब्रांच, उसके नीचे से काटना है, तो यहाँ से काट दीजिए इसको। और लाइट प्रूनिंग करनी है आपको, और क्योंकि ये समय नहीं है इसकी हार्ड प्रूनिंग का, इसकी हार्ड प्रूनिंग का टाइम होता है फरवरी का, ध्यान रखें आप।
क्योंकि ये आपकी देखिए देखिए यहाँ से फ्लावरिंग हो चुकी है, यहाँ से फ्लावरिंग हो चुकी है, तो हम काटेंगे इसको एक इधर से, मुझे फ्लावरिंग हो चुकी है, इसको भी काट देंगे, रख देते हैं साइड में, इस वाले को ट्रांसप्लांट करेंगे अब। इसमें हमने डाली है बोन मील, और इस बोन मील में होता है बहुत ज़्यादा पोटास, और पोटास होता है फूलों के लिए अच्छा। जो हमने ऊपर से डाला था उसमें एप्सम सॉल्ट, हम इसको इसकी जड़ों में डालेंगे और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसको ऊपर से आप एक लेयर मिट्टी और डालिए ताकि सीधा जड़ों में ना लगे ये। और गर्मियों में जितना कम हो उतना आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, ताकि क्योंकि फर्टिलाइज़र ऑलरेडी गर्म होता है, प्लांट की जो रूट होती है उनको डैमेज कर सकता है ज़्यादा हीट। शुरू शुरू में इनको आपको 3 दिन शेड में रखना है। अगर लाइटिंग की बात करें तो मोगरा जो जैस्मीन का प्लांट है, इसको धूप चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की धूप तो इसको चाहिए। और लेकिन अभी फ़िलहाल जब आप रिपोर्ट करें तो तुरंत ही इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इसको अभी पहले शेड में रखें कुछ दिन, दैन पॉटिंग मिक्स के और स्पॉट के हिसाब से ये अपने आप को ढाल ले, तो उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं धूप में। चलिए इसको भी हम, और जैसे जैसे इसकी जैसे ग्रोथ होती है उसका भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। 15 मई 2022 को हमने रिपोर्ट किया था, आज 2 तारीख है जून की, और देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये, और देखिए जहाँ जहाँ से हमने इसको प्रून किया था देखिए वहाँ वहाँ से नई ब्रांचेस आ रही हैं, और जो नई ब्रांचेस पे ही देखिए इस पे बर्ड्स आ रहे हैं जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में। देखिए 1, 2, 3 इधर 4, 5 देखिए पूरा प्लांट अच्छी तरह, ये कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप भी ऐसे, ये एक अपडेट वीडियो है, और आप भी देखिए, और देखिए छोटे वाला जो हमने लगाया था, छोटे वाले में भी देखिए बर्ड्स आ रहे हैं, इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अब देखिए ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए इसमें भी इसकी ये भी ब्रांचेस बड़ी हो रही हैं, और जब ये फ्लावर ब्लूम हो जाएंगे देखिए तो इसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, तो इसमें और ब्रांचेस आने लगेंगी। तो फ़िलहाल हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी कंपोस्ट दिया था, बोन मिल दिया था, और अभी तो इसमें अभी हम कुछ नहीं डालेंगे। 1 महीने बाद आई थिंक 15 जून को हम इसमें फिर से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगा। ये थी ये वीडियो आप मोगरा के बारे में कि आप मोगरा की केयर कैसे कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, उसकी फर्टिलाइज़र आपको क्या यूज़ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।